अगर आपके सेवई उपमा खिले खिले नहीं बनते हैं तो एक बार आप इस तरीके से बना कर देखिए, आपका सेवई उपमा भी खिले खिले बनकर तैयार होंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा और स्वागत है आपका मेरे किचन में। तो उपमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सब्जियों का यूज़ किया है, जैसे कि मटर, टमाटर, बीन्स, गाजर, प्याज। आप चाहे तो इनमें से कुछ सब्जियाँ स्किप कर सकते हैं या फिर और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने 150 ग्राम सेवई ले लिया है और यहाँ पे मैंने ले लिया है एक छोटा चम्मच घिसा हुआ अदरक, 10 से 15 कड़ी के पत्ते, 2 हरी मिर्च, 1 छोटी चम्मच उड़द दाल, 1 छोटी चम्मच चने का दाल, हरा धनिया पत्ता जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, और ये आधा छोटी चम्मच राई और आधा छोटी चम्मच जीरा। तो चलते हैं अब उपमा बनाने। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें ये सेवई को रोस्ट कर लेना है। तो गैस ऑन कर लेंगे। कढ़ाई गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे सेवई। सेवई को हम 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करेंगे। अगर आपके पास रोस्टेड सेवई है तो आपको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेवई को हमें मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक ही रोस्ट करना है। तो ये हमारा सेवई हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसके चलाते हुए किसी दूसरे बर्तन में अलग कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि गैस पर हम पानी चढ़ाएंगे और उसको हम अच्छा से उबाल लेंगे, और जब पानी अच्छे से उबलने लगे तब उसमें हम डालेंगे हमारा रोस्टेड सेवई, और उसमें हम फिर डालेंगे थोड़ा सा नमक, अच्छे से चला लेंगे और 2 से 3 मिनट तक उसको उबालेंगे। सेवई को पकने में सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगेंगे, उससे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, नहीं तो ओवर कुक हो जाएगा। सेवई को हमें चलाते हुए पकाना है, नहीं तो वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो ये हमारा सेवई पक चुका है। अब इसको हम एक छन्नी में छान लेते हैं। तो ये मैंने सेवई को छन्नी में छान लिया है। आप चाहे तो सेवई को ठंडा करने के बाद फ्रिज में भी रख सकते हैं और इसको 2 से 3 दिन तक पका सकते हैं। तो अभी सेवई को साइड में रखते हैं और तड़का की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई गरम कर लेंगे। कढ़ाई के गरम होते ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल के गरम होते ही हम इसमें डाल देंगे हमारा सरसों और जीरा। सरसों और जीरा के चटकते ही हम इसमें डाल देंगे हमारा उड़द दाल और चने का दाल। दोनों दाल को हम 1 मिनट के लिए अच्छे से भूनते हुए पका लेंगे ताकि उपमा में टेस्ट अच्छा आए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता को 10 से 15 सेकंड के लिए हम सौटे करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक और हरी मिर्च। अदरक को भी हम आधा मिनट तक पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। आप चाहे तो इसमें मूंगफली और काजू का भी यूज़ कर सकते हैं। 1 मिनट हो चुका है, अब हम डाल देंगे इसमें प्याज। प्याज को हमें बस 2 मिनट तक ही फ्राई करना है, बस कलर चेंज होने तक ही। तो ये हमारा प्याज फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा सारा हरी सब्जियाँ। तो सब्जियों में सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बीन्स, गाजर और मटर। इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसको हम पहले 2 मिनट के लिए पका लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटी चम्मच हल्दी और आधा छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने सब्जियों को मिक्स कर लिया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये देखिए, 1 मिनट हो चुके हैं, सब्जियाँ आधा पक गई हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा उबला हुआ सेवई। सेवई डालने से पहले हम गैस का फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, उसके बाद हम सेवई डालेंगे। सेवई को हम हल्के हाथों से लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए इसे हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि सारे मसालों का फ्लेवर इसमें आ जाए। आप चाहे तो इसको ढककर भी 1 से 2 मिनट के लिए पका सकते हैं, पर इसको बीच बीच में चलाते रहना है। तो सेवई को पकते हुए 1.5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच नींबू का रस और साथ ही में इसमें डाल देंगे हम धनिया पत्ता, और इन दोनों को अच्छे से मिला लेंगे। बस आधा मिनट के लिए पकाना है, उसके बाद हम गैस को कर देंगे ऑफ। और ये हमारा सेवई उपमा बनकर तैयार है। एकदम खिले खिले बने हैं, आप देख सकते हैं। तो सेवई उपमा को गर्मा गर्म सर्व करें हरी चटनी के साथ, या फिर इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। ऐसे भी ये बहुत अच्छे लगते हैं।
तो कैसी लगी आपको हमारा रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।